हमें वहाँ पर आकर समागम में बड़ी खुशी होती है, महापुरुषों के दर्शन होते हैं, माता जी के दर्शन होते हैं, सुकून मिलता है, एक ब्रह्म प्राप्ति। पहले जो काम था बिल्कुल जीरो था, अब माता जी ने बाबा जी ने हीरो बना दिया, बच्चे सेट हो गए, कारोबार सेट हो गया, सुख शांति और खुशहाली लाएगा जो धन से नहीं प्राप्त होता। कैसा अनुभव रहा यहाँ पे आने के बाद? बहुत अच्छा, हम बटाले से आए हैं। धन निरंकार। धन निरंकार। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फिफ्थ में। फिफ्थ क्लास में, तो कैसा अनुभव रहा यहाँ पे आने के बाद? बहुत अच्छा। वो कितना अच्छा? बहुत। फैमिली के साथ आए हो, ऐसा कोई विचार जो आपको संसारिक मोह माया में और यहाँ पर अलग बदलाव दिखाओ, रहने में, खाने में, पीने में, ऐसा कुछ जो भी यहाँ से लेके अपने घर जाओगे, अपनी फ्रेंडों को दोगे? चलो, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, उम्मीद करता हूँ माता रानी की कृपा बरसाए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन निरंकार बेटा। निरंकार। बड़ा अच्छा लगा जो युवा जनरेशन फिफ्थ क्लास में पढ़ रही है और वहाँ पर जहाँ अपनी स्टडी कर रही है, यहाँ पर आने के बाद भी सांसारिक मोह से दूर हटके एक ज्ञान ले रही है, आध्यात्मिक ज्ञान। नमस्कार बाबू जी। नमस्कार। धन निरंकार। धन निरंकार जी। बाबू जी कहाँ से आए हो? हम यहाँ दिल्ली से। दिल्ली से? हाँ जी। इतनी उम्र होने के बाद भी इतनी दूर से आ रहे हो, सर्दी में निकल गए, आखिर क्या है ऐसा यहाँ? यहाँ पर मन को सुकून मिलता है, चैन मिलता है, आराम मिलता है। सुकून तो हम लोग घर पे वीडियो देख के भी देख सकते हैं। नहीं, वो सुकून वीडियो देख के नहीं मिल सकता, जो सुकून यहाँ मिलता है, जो यहाँ मिलता है, मतलब लाइफ चेंज हो जाती है। जी उम्र कितना है आपका? 65। कितने साल से जुड़े हो धाम से? बचपन से। बचपन से? हाँ जी। वो दिख रहा है आपके अंदर जी। ऐसा कोई विचार जो आप हमें देना चाहोगे कि ऐसा करो, इसे करने से जिंदगी में सुधार आ सकते हैं, बदलाव आ सकते हैं, हम भी समाज सेवा कर सकते हैं, और जो वीडियो को देख रहे हैं उनके अंदर भी ऐसे विचार आए? मन में जो बुरी भावनाएं होती हैं, नकारात्मक विचार, उनको छोड़कर सकारात्मक विचार मन में लाने चाहिए। सोच अच्छी होनी चाहिए, जैसे हमारी सोच बदलेगी वैसे ही हमारा जीवन बदलेगा, कर्म बदलेगा, और हमारे मन में जो बदलाव आएगा वो हमारे जीवन में सुख शांति और खुशहाली लाएगा, जो धन से नहीं प्राप्त हो सकती। वो मन का चैन, मन का सुकून, ये परम पिता परमात्मा के आशीर्वाद से ही प्राप्त होता है। अच्छा प्रभु, एक हमने यहाँ सुना है कि भगवत प्राप्ति हो गया, यहाँ पर ब्रह्म प्राप्ति हो गया, उसके बारे में क्या कुछ? ये मानव को जो जीवन मिला ये प्रभु की प्राप्ति के लिए मिला है। हर मानव के अंदर जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है, ये संसार में परमात्मा की प्राप्ति के लिए आता है। मानव को भ्रम है कि प्रभु को जाना नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, लेकिन हमारे सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज कहते हैं कि परमात्मा को जाना जा सकता है, जहाँ चाह है वहाँ राह है। जो आपके मन में एक प्रभु को पाने की इच्छा है, एक बार अपने अहम का त्याग करके, नम्रता को धारण करके नतमस्तक होना पड़ेगा, प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी, जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन। बड़े अच्छे विचार आपके अंदर से निकल रहे हैं। बचपन से लेकर जो आपका अब तक का जुड़ाव यहाँ धाम से रहा है, वो आपके एक एक बोल, एक एक शब्द में हमें दिख रहा है, तो बड़ा अच्छा लगा आपसे बातें करके। उम्मीद करते हैं जिंदगी में ऐसे खुश रहो, आप हंसते रहो और खुशहाल रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। निरंकार भाई साहब, धन्यवाद। कहाँ से आए हो जी? हम पंजाब कपूरथला बेगौल ब्रांच से आए हैं। जोर से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो। अच्छा, पंजाब कपूरथला बेगौल ब्रांच से आए हैं। तो कब से जुड़े हो धाम से? जी हमको तो 13-14 साल हो गए मिशन। तो सेवा आपकी ड्यूटी क्या लगाई गई है यहाँ पे अभी? जी हमारी लंगर सप्लाई पर ड्यूटी है कि लंगर को टो करना है, फिर लेकर जाना है, तो बरताना है। और कब तक चलेगी आपकी ड्यूटी? जी ये ड्यूटी जब तक महात्मा आ रहे हैं तब तक चलेगी लंगर। तो हमने ऐसा सुना है कि यहाँ पर माता रानी की तरफ से कन्यादान भी किया जाएगा, सामूहिक विवाह की भी किया जाएगा, इसके बारे में क्या कुछ? जी इसके बारे में माता जी आशीर्वाद देते हैं, सभी करते हैं, तो माता जी। तो बड़ा अच्छा लगा आपसे बातें करके। धन निरंकार। धन निरंकार। कहाँ से आए हो प्रभु? पंजाब से आए जी। पंजाब कहाँ से? पगौड़ा। हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे मोस्टली बहुत ज़्यादा पंजाब और अपना साउथ हो गया, अपना पूरा ऑल ओवर इंडिया से पब्लिक यहाँ पहुँच रही है, ऐसा क्या कुछ है यहाँ पे? हमारा सिंचाई का मिशन है, सिंचाई का मिशन है, इसमें सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं। और पहले छोटा सा स्टार्ट हुआ था समागम, अभी देख लो लाखों की गिनती में महापुरुष यहाँ पे आ रहे हैं, पूरे वर्ल्ड से महापुरुष यहाँ पे आ रहे हैं। कब से जुड़े हो यहाँ से? कितने साल हो गए? हम तो 20-25 साल हो गए। ऐसा कोई 20-25 साल में जो आपने बदलाव एक सांसारिक माया में और यहाँ पे आने के बाद महसूस किया हो? हमारा तो बदलाव सब कुछ हो गया, हमको पहले जो काम था बिल्कुल जीरो था, अब माता जी ने बाबा जी ने हीरो बना दिया, बच्चे सेट हो गए, कारोबार सेट हो गया, आप प्रभु के गुण गाते हैं, तो सब कुछ सेट है हमारा, कोई प्रॉब्लम। हमने यहाँ पे देखा है कि पब्लिक के आने के बाद यहाँ पे विचार बहुत अच्छे होते हैं,
पैसे के पीछे मत भागो, भागना तो प्यार बांटो, प्यार लो। तो ये विचार घर जाने के बाद रहते हैं या बदल जाते हैं? बिल्कुल रहते हैं, घर में शुरू करते हैं हम प्यार, पहले घर से, फिर आंढ़ गुआंढ़ पड़ोस से, फिर रिश्तेदारी से, सभी लोगों से हम प्यार करते हैं। माता जी बाबा जी सभी हमें हमको यही सिखाते हैं। तो कब तक रुकोगे अभी यहाँ पे आप? अभी रुकेंगे दो दिन और। दर्शन हुए माता जी के? माता जी के दर्शन हुए, सुबह जाने के महाउद के कल भी हुए। उत्साह है उसके बाद दर्शन करने के बाद? बहुत खुशी हो रही है, बड़ा अच्छा लगा आपसे बातें करके, बड़े अच्छे नेचर आपका लगा हमें। उम्मीद करते हैं माता रानी आपको कृपा बरसाए। सतगुरु सब। नमस्कार बाबू जी। नमस्कार जी। कहाँ से आए हो? हम फगवाड़ा के नज़दीक, हमारा गाँव है तनी पिंड लखनपा, वहाँ से आए हैं। तो क्या कुछ बताना चाहोगे हमें इसके बारे में, यहाँ गांव के बारे में? हमें वहाँ पर आकर समागम में बड़ी खुशी होती है, महापुरुषों के दर्शन होते हैं, माता जी के दर्शन होते हैं, सुकून मिलता है। एक ब्रह्म प्राप्ति बड़ा मुद्दा मैंने सुना है, ब्रह्म प्राप्ति, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे, क्योंकि दर्शक भी जानना चाह रहे हैं उसके बारे में? ब्रह्म प्राप्ति के साथ हमारे सभी जो भय भरम दूर हो जाते हैं, मन को खुशी मिलती है, महापुरुषों का संग मिल जाता है, तो इससे जीवन का थोड़ा सा नहीं, काफ़ी उधार हो सकता है जो हमें इसको अपने ध्यान में लाए। तो एक प्रभु मैं जानना चाह रहा हूँ कि जैसे आंतरिक सुख कैसे मिले, उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी बात ये चल रही है कि जैसे अपना ब्रह्मांड है, अपनी सृष्टि है, यहाँ पर हरियाली बढ़े, खुशहाली आए, जीव जंतुओं के प्रति प्यार बढ़े, उसके बारे में ऐसी कहा जाता है? हाँ जी, बहुत सिक्ख्या देती है, जानती है, वहाँ पर सिखाया ही जाता है इंसान को, सीखने की थोड़ी से मन में इच्छा होनी चाहिए, तो यहाँ तो सखलाई सखलाई है। तो उम्मीद करता हूँ माता रानी ऐसे प्यार बरसाए। बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से बातें करके, बहुत धन्य निरंकार। आप लोगों ने देखा कि जहाँ पर उम्र दराज भी बंदे हमें यहाँ मिल रहे हैं, उनके विचार भी हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं। उम्मीद करते हैं भविष्य में भी यहाँ पर हम लोग भी एक दिन जुड़ेंगे, और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग खुश रहे, खुशहाल रहे। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद।